आप सब एल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन को तो जानते ही होंगे, वो बहुत बड़े बड़े कलाकार थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। लेकिन उन्हीं की तरह हमारे देश का भी एक कलाकार था, एक शख्स था, एक बंदा था जिसने हमारे क्षेत्र यानी मैथ में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और शायद एल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन से भी ज़्यादा काम किए हैं, लेकिन इन दोनों के साथ उस बंदे को याद नहीं रखा जाता। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसी बंदे के बारे में। आज स्टोरी पूरी की पूरी उसकी जन्म से लेकर मृत्यु तक की सीखेंगे कि किस तरह उसने अपने टैलेंट को निखारा, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हुए भी अपने टैलेंट को निखारा और सबसे ऊंचा बनकर दिखाया। तो बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये बात है हमारे देश के उस ग्रेटेस्ट की। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो की, और मैं किस शख्स की बात कर रहा था, ग्रेट मैथमेटिशियन एस रामानुजन की बात कर रहा था जो मैथ का देवता माना जाता है, मैथ का फादर। जैसे हम फिजिक्स में न्यूटन को मानते हैं उसी तरह हमारे मैथ का जो सबसे बड़ा कलाकार है वो एस रामानुजन को माना जाता है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन के साथ भी इन्हें याद नहीं किया जाता, क्यों इनसे पीछे रखा जाता है हमारे रामानुजन को। तो आज डिस्कस करेंगे हमारे रामानुजन के बारे में और देखेंगे कि किस तरह एल्बर्ट आइंस्टीन और न्यूटन से भी ज़्यादा कलाकार थे हमारे एस रामानुजन। तो सबसे पहले बात करते हैं रामानुजन की स्टार्टिंग से, कहने का मतलब उसके जन्म से। तो एस जो रामानुजन था, मीन्स श्रीनिवास जो रामानुजन था, उनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में। जो हमारे एस रामानुजन थे उनका जन्म कब हुआ था, 22 दिसंबर 1887 में। एस रामानुजन को बचपन से ही मैथ पढ़ने का बहुत शौक था, वो शुरुआत से ही मैथ को पढ़ने लगे थे, मैथ में इंटरेस्टेड हो गए थे। और एक और बात थी हमारे एस रामानुजन की बचपन की, वो बात क्या थी कि एस रामानुजन को बचपन में उनकी एक फेवरेट देवी थी, उस देवी के प्रसाद से अलग कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा उस देवी के मंदिर के पास चला जाता और उसके प्रसाद लेकर खा जाता था। कहने का मतलब उस देवी के प्रसाद से अच्छा उन्हें कुछ भी नहीं लगता था। और एक इंटरेस्टेड बात और थी एस रामानुजन की, वो क्या थी बात कि बचपन में जब उसे उसके पसंद की चीज़ें नहीं मिलती थी तो वो मिट्टी में लेट कर रोने लग जाते थे, और जब तक वो उसकी पसंद की चीज़ नहीं मिल जाती वो रोते रहते थे। ये तो बात थी उनकी जन्म की, कुछ इंटरेस्टेड बातों की कि मैथ में वो शुरू से ही क्या थे, इंटरेस्टेड थे। अब बात करते हैं उनकी फैमिली की। तो हमारे जो एस रामानुजन थे वो इतने रईस फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। कहने का मतलब ये है कि हम एक फैमिली यूज करते हैं मिडिल फैमिली, तो मिडिल फैमिली से भी नीचे फैमिली थी उनकी, पुअर फैमिली थी, बिल्कुल ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उनके पापा जो थे वो एक साड़ी की शॉप में काम करते थे और उनकी माता थी वो हाउसवाइफ थी। तो वो इतने गरीब थे कि उन्हें घर चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने दो अपने क्या रख लिए, दो किराएदार रख लिए। उन्होंने सोचा कि घर चलता रहेगा, उनके खाली कमरा होगा कोई, उसमें उन्होंने दो किराएदार रख लिए। तो वो जो दो किराएदार थे वो दो स्टूडेंट थे बड़े बड़े। तो उन्होंने देखा कि जो रामानुजन है वो बहुत इंटरेस्टेड था मैथ में, बहुत टैलेंटेड बंदा था। तो वो दो स्टूडेंट रामानुजन की मदद करने लगे, मैथ पढ़ाने लगे उन्हें, मतलब थोड़ा थोड़ा उसे ज़्यादा मैथ पढ़ाने लगे। और धीरे धीरे समय गुजरता गया और जो रामानुजन था वो कुछ ही दिनों में उन दो स्टूडेंटों से भी अच्छा मैथ सीखने लगा था। स्कूल में रामानुजन पढ़ता था तो सब टीचरों को लगता था कि रामानुजन आगे चलकर कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगे मैथ में, और वो रामानुजन को पूरे के पूरे असेसमेंट के बहुत A+ नंबर देने लगे थे। तो रामानुजन क्लास में सबसे होशियार था, और मैथ में जहाँ जो टीचर थे वो किसी भी क्वेश्चन को जहाँ 10-10, 15-15 लाइनों में सोल्व करते थे, उसी क्वेश्चन को हमारे रामानुजन 2 या 3 लाइनों में सोल्व कर देते थे। उन्हें टीचरों का पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं था मैथ में, वो अपने ही तरीके से मैथ के सवालों को करता रहता था, लेकिन टीचरों को बुरा नहीं लगता था क्योंकि उन्हें अच्छा रिजल्ट मिल रहा था और सबको पता था कि आगे चलकर ये कुछ ना कुछ बनेंगे। और समय गुजरता गया और हमारे रामानुजन की स्कूलिंग पूरी हो गई। तो स्कूलिंग में उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, मैथ के साथ साथ जो और सब्जेक्ट थे उनमें भी हमारे रामानुजन आगे थे सबसे। तो ऐसे करते करते उसे बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिली, स्कॉलरशिप मिली हमारे स्कूलिंग में रामानुजन को, और उनका एडमिशन कॉलेज में हो गया। उसके बाद फिर स्कॉलरशिप के बाद उनका एडमिशन कहाँ हुआ, कॉलेज में। अब कॉलेज में जाने के बाद रामानुजन की लाइफ थोड़ी सी चेंज हो गई। किस तरह चेंज हुई कि जहाँ प्रोफेसर मैथ को 15-15 इक्वेशनों में सोल्व करते थे, उन्हीं क्वेश्चनों को रामानुजन 3 इक्वेशन में सोल्व करके रख देता था। लेकिन एक अजीब बात हो गई थी उसके साथ कि वो मैथ से अलग अब किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं था। वो मैथ में तो पास हो जाता था लेकिन और सारे के सारे सब्जेक्टों में फेल हो जाता था। कहने का मतलब 3 घंटे के पेपर को, मैथ के को, रामानुजन 30 मिनट में सोल्व कर देते थे, 30 मिनट में सोल्व कर देते थे और पूरे के पूरे मार्क्स लेके थे। लेकिन मैथ से अलग जो सब्जेक्ट होते थे उन सब में मैथ हमारे रामानुजन फेल हो गए थे। तो इसी के चलते रामानुजन को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया,
क्यों? उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा क्योंकि वो सिर्फ मैथ में पास हो रहे थे और बाकी सब्जेक्ट में पास ही नहीं हो रहे थे। तो इसको देखते हुए उनके मम्मी को परेशानी हुई और उन्हें लगा कि रामानुजन अपने रास्ते से भटक गए हैं, उनको सुधारने के लिए उनकी शादी कर देते हैं। तो रामानुजन की 22 साल की उम्र में फिर शादी कर दी गई और जो उनकी पत्नी का नाम था वो जानकी था। उस समय जानकी 12 साल की उम्र में थी जब रामानुजन के साथ उनकी शादी हुई थी। अब रामानुजन को शादी के बाद जिम्मेवारियों का ख्याल आया और वो नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तो नौकरी ढूंढते वो अपनी मैथ की उसने थ्योरम बना ली थी अपने स्कूलिंग में ही, लगभग 1500 थ्योरम बना दी थी अपने एक्सपीरियंस से। उन थ्योरमों को लेकर हर कंपनी हर जगह जाने लगा रामानुजन, लेकिन उन्हें कोई नौकरी नहीं दे रहा था उन थ्योरमों को देखकर। और फाइनली समय के साथ साथ उसे नौकरी मिल गई फ्रांस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में। फ्रांस ट्रस्ट एक कंपनी थी, उसमें रामानुजन को नौकरी मिल गई और वो 75 रुपये पर मंथ लेने लगे थे। कहने का मतलब जहाँ नौकरी लगी रामानुजन को शुरुआत में 75 रुपये मिलते थे एक महीने के, और वहाँ दो थे, एक था एस ट्रांस और एक था हमारे पास अय्यर। अब ये क्या थे, अय्यर और ट्रांस नाम के दो व्यक्ति थे जो किसके साथ, रामानुजन के साथ काम करते थे और उसकी हेल्प करते थे। तो रामानुजन अपने मैथ को भी पढ़ते रहते थे, बहुत सारी थ्योरम बना ली थी रामानुजन ने। अब क्या किया रामानुजन ने, उस कंपनी के जरिए ही तीन प्रोफेसरों के पास उसने लेटर लिखे और अपनी थ्योरमों के बारे में बताया। लेकिन उन तीन प्रोफेसरों में से जो दो प्रोफेसर थे उसने रामानुजन के लेटर को कर दिया कैंसिल कि हमें आपकी थ्योरम आपकी कुछ भी पसंद नहीं है। लेकिन फाइनली एक तीसरा जो प्रोफेसर था उसको मैथ की थ्योरम यानी रामानुजन के लेटर में कुछ बात नहीं दिखी और उसका नाम था हमारे पास जे हार्डी। बहुत ही पॉपुलर नाम है हमारे पास जे हार्डी। ये एक प्रोफेसर थे, कहा ब्रिटिश प्रोफेसर थे ये। उन्हें रामानुजन का लेटर पढ़कर बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनके पास बहुत सारे लेटर आते थे जो कहते थे कि हमने ये डिस्कवरी की है वो डिस्कवरी की है, लेकिन रामानुजन के लेटर में कुछ भी हवाबाजी नहीं थी, सिंपल बातें थी। और उसी सिंपल बातों के जरिए जे हार्डी को वो पसंद आया और उन्होंने वापस लेटर लिखा किसको, रामानुजन को, और कहा कि मुझे आपकी थ्योरम पसंद है, आप इनके प्रूफ भेज दो मेरे पास जल्दी से। और लगभग उस समय तक रामानुजन ने 3000 थ्योरम डिस्कवर कर दी थी, जो जे हार्डी के पास उन्होंने 3000 थ्योरमों के प्रूफ भेजे थे, जिनमें से कुछ थ्योरम कैसी थी, जैसे आपको कोई पहले 1 रुपये दे, फिर 2 रुपये दे, फिर 3 रुपये दे, फिर 4 रुपये दे, ऐसे करते करते आपको इनफाइनाइट तक रुपए देता रहे तो आपके पास कितने रुपए होंगे। तो आजकल के टीचर आज सभी कह देते हैं कि हमारे पास तो कितने रुपए होंगे, इन्फिनिटी इनफाइनाइट टाइम्स तक रुपए मिल रहे हैं तो इनफाइनाइट रुपए होंगे, लेकिन कोई भी आज तक इनफाइनाइट का पता नहीं लगा पाया है। लेकिन एस रामानुजन ने उस इनफाइनाइट की वैल्यू दी थी, और क्या वैल्यू दी थी कि जिसके पास रुपए हम दे रहे हैं इनफाइनाइट तक उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, माइनस का 1/12 रुपये होंगे उसके पास, और जो देने वाला है उसके पास प्लस का 1/12 रुपये होंगे। आजकल जो हम स्ट्रिंग थ्योरी यूज करते हैं उस स्ट्रिंग थ्योरी में भी इनफाइनाइट की यही वैल्यू टेकते हैं। जब तक हम स्ट्रिंग थ्योरी में इनफाइनाइट की ये वैल्यू नहीं रखते हैं हमारी स्ट्रिंग थ्योरी अधूरी रह जाती है। तो आज तक किसी ने भी इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं बताई थी प्रॉपर, लेकिन हमारे रामानुजन ने इनफाइनाइट की वैल्यू दे दी थी, कितनी, 1/12। लेकिन ये उन 3000 थ्योरम में से ही कोई एक थ्योरम थी, इससे भी बड़ी बड़ी थ्योरम डिस्कवर की थी किसने, रामानुजन ने। अब इसके बाद क्या हुआ, जे हार्डी बोला कि आपको जो ये 3000 थ्योरम है इनका प्रूफ, इनकी एक्सप्लेनेशन बच्चों के सामने रखनी होगी, इसलिए उन्होंने ऑफर रखा किसके सामने, रामानुजन के सामने, कि आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाना होगा। एक यूनिवर्सिटी थी ब्रिटिश में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, उसमें एस आर डी ने उनको ऑफर दिया कि आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बच्चों को इनकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी इतनी थ्योरमों की। लेकिन हमारे रामानुजन क्या करते थे, सीधा आंसर बता देते थे थ्योरमों को, लेकिन उन्होंने ये नहीं था कि उन्हें आते नहीं थे एक्सप्लेनेशन, लेकिन उन्होंने एक बार इस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने से मना कर दिया क्योंकि हमारे भारत में एक परंपरा थी कि जो भी बाहर जाकर नौकरी करेगा उनको बच्चे को इंडिया में शादी नहीं हो पाएगी। इस डर से रामानुजन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाने से मना कर दिया। लेकिन उसी रात को रामानुजन के सपने में उनकी फेवरेट देवी आई, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था वीडियो के, और उन्होंने कहा कि आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। तो उसकी बात मानते हुए रामानुजन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली और बच्चों को बड़े ही ईजी वे से उन थ्योरमों की एक्सप्लेनेशन दी और अच्छी तरह सीख लिया। उस समय हमारा वर्ल्ड वार फर्स्ट, कहने का मतलब 1914 की बातें चल रही हैं। तो रामानुजन
फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो रामानुजन अपनी फैमिली से नहीं मिल पा रहे थे और उन्हें अपनी पत्नी की भी बहुत याद आती थी, तो वो अपनी पत्नी को लेटर्स लिखते थे, लेकिन जो उनकी माता थी, माँ थी, वो उन लेटरों को जानकी तक नहीं पहुँचने दे रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि उन लेटरों को पढ़कर दोनों ही दुखी होंगे। तो इसी डिप्रेशन में पढ़कर रामानुजन ने एक बार सुसाइड की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से वो बच गए। उन्होंने गाड़ी के सामने छलांग मार दी थी और बच गए, और वहाँ की जो ब्रिटिश जो पुलिस थी उन्हें उठाकर ले गई रामानुजन को सुसाइड करने के जुर्म में। लेकिन सुसाइड जहाँ उसको सजा मिल रही थी वही JRD पहुँच गए और उन्होंने झूठे ही कह दिया कि ये फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी है। कहने का मतलब उन्होंने ये झूठ कह दिया कि ये रॉयल सोसाइटी के फेलो हैं। और जब पुलिस ने उनकी जानकारी ली तो उन्हें पता चला कि जो रामानुजन है वो ग्रेट मैथमेटिशियन है, और रामानुजन को छोड़ दिया। लेकिन कुछ समय बीता और जो हार्डी ने झूठ बोला था वो सच हो गया, और हमारे जो एस रामानुजन थे वो FRS बन गए। कुछ समय बाद हमारे जो रामानुजन थे वो FRS बन गए। जिन बच्चों को इस FRS की फुल फॉर्म नहीं पता उनको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है हमारे पास फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। कहने का मतलब क्या होता है? फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। अब इसका मतलब क्या है? जिस तरह हमारे न्यूटन और आइंस्टीन हैं इस सोसाइटी के फेलो, इस सोसाइटी के मेंबर हैं, तो उस समय हमारे जो एस रामानुजन थे वो भी इस सोसाइटी के फेलो बन गए थे। कहने का मतलब FRS रामानुजन बन गए थे। और अपनी उम्र तक हमारे जो रामानुजन थे वो 32 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी। 32 साल की उम्र में छोड़कर चले गए थे। कहने का मतलब सिर्फ हमारे रामानुजन 32 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी उनकी। और उन्होंने अपनी लाइफ में लगभग 3000 से ज़्यादा थ्योरम बनाई थी जिन्हें अब आजकल पढ़ते हैं। तो ये थी हमारे रामानुजन की स्टोरी। तो रामानुजन की स्टोरी में मुझे सिर्फ दो बातें बुरी लगी। वो क्या क्या थी बातें? कि पहली बात तो बुरी ये थी रामानुजन की कि रामानुजन सिर्फ 32 साल की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, मर गए थे। अगर वो कम से कम 60 या 70 साल जीते तो हमारे मैथ के लिए क्या क्या कर सकते थे, और कितनी थ्योरम बच्चों के लिए कितना फ़ायदा होता आज उन थ्योरमों को पढ़कर। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात बुरी लगी वो ये थी कि हमारे रामानुजन का जो टैलेंट था उसने सबसे पहले किस सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने हमारे रामानुजन का टैलेंट पहचाना। हमारे खुद की इंडिया की सरकार ने भी रामानुजन को टैलेंट को दबाने की कोशिश की थी। उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी जब वो हमारी अपनी थ्योरमों को लेकर, अपने टैलेंट को लेकर जा रहा था। सिर्फ पहली बार ब्रिटिश सरकार ने उसकी टैलेंट को पहचाना था। तो ये सबसे बड़ी बुरी बात है हमारे देश की कि यह टैलेंट को दबाया जाता है, निखारा नहीं जाता। तो ये सबसे बड़ी बुरी बात लगी मुझे रामानुजन की स्टोरी में। आपको भी इन स्टोरी को पढ़कर कोई बुरी बात लगी हो, अच्छी बात लगी हो, तो मुझे कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर करें ताकि हमारे रामानुजन को भी आइंस्टीन और न्यूटन के बराबर याद किया जाए उनकी तरह ही। तो बस आज इतना ही। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, हमारी जो सीरीज शुरू कर रहे हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री में आ रहे थे उस वीडियो के साथ। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।